आज हम फजी लॉजिक का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर सॉफ्ट कंप्यूटिंग इस सब्जेक्ट को हमने कंसिडर किया तो दो प्रकार के लॉजिक्स होते हैं। एक होता है बुलियन लॉजिक और दूसरा होता है फजी लॉजिक। बुलियन लॉजिक का मतलब एक ऐसा लॉजिक जो बाइनरी वैल्यूज़ के साथ डील करता है। बाइनरी वैल्यूज़ मतलब वैल्यूज़ जैसे कि येस नो, ट्रू फॉल्स, वन ज़ीरो, ये बाइनरी वैल्यूज़ होती है। और फजी लॉजिक का मतलब क्या होता है? फजी लॉजिक का मतलब एक ऐसा लॉजिक जो बाइनरी वैल्यूज़ के साथ नहीं बट उन वैल्यूज़ के बीच में की वैल्यूज़ के साथ डील करता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ मैंने एक बकेट पानी से भर ली और उसमें मैंने अपना हाथ डाला। अब इमेजिन करो कि तुम सामने से आ रहे हो और तुमने मुझे पूछा कि इज़ द वाटर हॉट। और अगर सपोज़ मैं बुलियन लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं बस तुम्हें यही दो आंसर्स दे सकता हूँ। या तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि येस द वाटर इज़ हॉट, या तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि नो द वाटर इज़ नॉट हॉट। उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। बट अगर मैं फजी लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में की वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि वाटर इज़ वेरी मच हॉट, या तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि वाटर इज़ नॉर्मल, या तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि वाटर इज़ लिटिल हॉट, या तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि वाटर इज़ वेरी 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 लिटिल हॉट। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ का मैंने अभी इस्तेमाल किया, ये सारे के सारे वैल्यूज़ इन दो वैल्यूज़ के बीच में ही लाई करती है। देख लो, 0.9 1 और 0 के बीच में लाई करती है, 0.25 या 0.1 इन दोनों के बीच में लाई करती है। ओके, एंड ये नंबर्स मैंने बस फॉर एग्जांपल लिखे हैं। तो बेसिकली फजी लॉजिक में जो भी आंसर्स मैंने तुम्हें दिए वो सारे के सारे आंसर्स बाइनरी वैल्यूज़ के बीच में लाई करता है, और फजी लॉजिक का मतलब यही होता है। अब फजी लॉजिक का डेफिनेशन हम देख लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। फजी लॉजिक इज़ अ मैथड ऑफ रीजनिंग विच इन्वॉल्व्स ऑल द इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटीज बिटवीन येस एंड नो। मतलब यही कि फजी लॉजिक में हम येस और नो जो कि बाइनरी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के बीच में की सारी पॉसिबिलिटीज इंक्लूड कर सकते हैं, या वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इस चीज को फजी लॉजिक कहते हैं। अब इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए या बेटर नॉलेज चाहिए तो आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।